नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आज यूपी एएसआई और एसआई वालों की टाइपिंग थी, तो उस टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी देने आया हूं। और जैसा आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि कुछ टाइपिंग सेंटरों पे बच्चों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में भी आप लोगों को मैं एक तरह से सूचना देने आया हूं कि अगर जिसके जिसके साथ वो प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार सभी लोग एकजुट होकर एक ग्रुप में बनाऊंगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप की जो लिंक होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप सभी लोग उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा जिनके साथ ऐसी समस्या हुई हो। ठीक है, तो एक बार सभी लोग पहले वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आया हूँ। काफी बच्चे परेशान हैं, मुझे दो बच्चों के सेंटरों ने जो सेंटर से थे बच्चे उनके साथ जब ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे कांटेक्ट किए, सर ये ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने उनसे कहा भी उस समय, तो वो भर्ती बोर्ड भी गए थे, फिर वहां की प्रक्रिया क्या हुई मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज जो टाइपिंग देने जा रहे हैं बच्चे उनको बहुत बहुत सब शुभकामनाएं हैं। प्लस एकदम कूल माइंड होकर जाइए, कोई भी ऐसा आपको टाइपिंग मैटर नहीं मिल रहा है कि बहुत हार्ड टाइपिंग हो, ठीक है, बहुत टफ टाइपिंग हो, कहीं भी कॉमा डेट ऐसे कुछ फॉर्मेट में नहीं मिल रहा, सिंपल टाइपिंग आ रही है, हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, बच्चे यही बता रहे हैं जो मैंने फीडबैक लिया। तो टाइपिंग आसान है आपकी, अगर स्पीड अच्छी है तो 5 या 7 मिनट पहले आप पूरा कंटेंट टाइप कर लोगे। ठीक है, तो मेन जो बच्चों का सबसे ज्यादा फोकस है जिनका 19 और 20 में टाइपिंग है, वो जान लो कि भाई टाइपिंग का कंटेंट आसान है, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो। हाईलाइट भी हो रहा है एज ए डेमो, एक है कि क्या टाइपिंग डेमो की तरह है, एकदम डेमो की तरह है, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। टाइपिंग एकदम डेमो की तरह है, जैसे जैसे डेमो में दिया गया है वही वही डेमो डेमो का जैसा टाइपिंग था, जैसे जैसे बैक स्पेस यूज कर सकते थे, जो जो चीजें दिया था उसमें वही वही चीजें यहां पर भी आप कर सकते थे। टाइपिंग ऑटो सबमिट है, कोई भी मैनुअल सबमिट नहीं है, मतलब आप जैसा नहीं कि आपकी 50-60 की स्पीड आ रही है तो आप सबमिट कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। देखो वो उन्होंने टाइपिंग ले रहे हैं तो मिनिमम स्पीड से कम कभी भी नहीं जाएगा, तो उनको मिनिमम ही लेना है भाई, जितना उन्होंने मांगा है उससे ज्यादा वो लेके क्या करेंगे, नंबर थोड़ी देना है। ठीक है, तो अगर ऑटो सबमिट भी हो रहा है तो आपकी स्पीड कहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी, मतलब आपके मिनिमम से कम थोड़ी हो जाएगी, एक्यूरेसी आप मेंटेन कर लो उतने समय में, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया, ऑटो सबमिट हो रहा है, टाइम के बाद ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो दिक्कत आई है वो टाइपिंग में, बच्चों का कहना है कि हिंदी टाइपिंग में आई है। तो भाई जिस जिस बच्चों के साथ ये दिक्कत आई है वो जरूर डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप लिंक पर आप जुड़ जाइए, ताकि जब आप यूनाइट होंगे तभी भी हम भी कुछ कर पाएंगे आपके लिए। और ये आपका आखिरी फेज चल रहा है आपका सिलेक्शन का, तो इसमें ऐसी गलतियां ना हो कि किसी दूसरे गलती की वजह से आप बाहर हो जाओ। गलती ये हुई कि इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी खासी हो गई बच्चों का साथ, हिंदी के टाइपिंग में बच्चों ने कहा कि 60% हम कंप्लीट कर चुके थे, लास्ट के 40% पर क्या हुआ कि जो मैं टाइपिंग कंटेंट एक बच्चे ने मुझे भेजा था कुछ ऐसा, ठीक है मैं दिखा दे रहा हूं, कुछ आपका माधव दास से रिलेटेड आपका टाइपिंग कंटेंट आया था, तो उसपे जो आपका माधव दास पूरा टाइपिंग करने के बाद बच्चे बोल रहे थे, सर जब माधव दास के बाद हम आगे बढ़े तो वहां पर कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा था, उनका कहना था। तो बाकी वर्ड कैसे हाईलाइट होता था कि अगर आपने किसी भी वर्ड का 3 लेटर लिख दिया तो पूरा वर्ड हाईलाइट हो जाता था, जैसा आपने डेमो में देखा था। लेकिन कुछ सेंटर में, मैं सेंटर का नाम बता दूंगा, माधव दास के बाद हाईलाइट नहीं हुआ, बच्चे परेशान हो गए, वो एक्स्ट्रा वर्ड, और कुछ ने ऐसा किया उन्हीं के सेंटर में कि अपने ओर से एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के, जब हर जगह एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते थे तो जिससे उनका हाईलाइट शुरू हो जाता था। लेकिन ये तो गलत है, आप कोई भी, क्योंकि आपके टाइपिंग इंफॉर्मेशन में साफ साफ लिखा था कोई भी आप एक्स्ट्रा चीजें करते हो तो वो कहीं ना कहीं त्रुटि मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर, और बच्चों का प्रिंटआउट भी ऐसा नहीं है कि गड़बड़ाया, जब आप टाइपिंग दे लेते हो सबमिट हो जाता है, तो मैंने कहा था 2 प्रिंटआउट आपको दिया जाएगा, दोनों पे आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, तो वो जो दोनों प्रिंट आउट है उसमें भी बच्चों का कंटेंट पूरा आया जो उन्होंने टाइप किया। उन्होंने कहा, सर मैंने टाइपिंग पूरा की है, हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी, मैंने पूरी गलती 5 मिनट पहले मैंने टाइपिंग कर ली थी, लेकिन हाईलाइट वाली लैगिंग थी, हाईलाइट ही नहीं हुआ उसके बाद,
यहां के बाद 40% कंटेंट पर उनका हाईलाइट नहीं हुआ। बच्चे बहुत परेशान हुए, सेंटर से उन्होंने सीधे डायरेक्ट जो है सेंटर वालों से बात किया, सेंटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें। ठीक है, उन्होंने उनको कुछ पता ही नहीं रहता भाई, वो तो वैसे ही अनपढ़ गवार आदमी होते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये देखो मैं बता दूं, ये बच्चे ने भेजा है, जो ये दिक्कत आई है वो एक सेंटर, बाकी और किसी सेंटर पे आया हो तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम सभी को एक साथ कनेक्ट कर सके। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये आपके भविष्य की बात है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए आगे। जो टाइपिंग प्रॉब्लम आई है, कोई आर्या प्रोफेशनल एकेडमी है, आर्या प्रोफेशनल एकेडमी में यह प्रॉब्लम आई है, और दूसरी आपकी जो है वो बीके कन्वेंट है, इनमें आया है। अगर और किसी सेंटर में आपको प्रॉब्लम आया है टाइपिंग से लिए तो जरूर बताएगा। इनके बच्चे जो हैं वो आपके तुरंत वहां से जाने के बाद दोनों सेंटर के बच्चे जो हैं आपके भर्ती बोर्ड गए थे, मैंने कहा था एक बार आप चले जाओ उनके संज्ञान में डाल दो, ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने गया, जाने के बाद एक एक सेंटर से दोनों आपके रिप्रेजेंटेटिव डीजी से मिले, और डीजी से मिलने के बाद जब उन्होंने साइन करके अपना पूरा दिया तो डीजी ने इन्हीं बच्चों को, क्योंकि अगर पूरे बच्चे गए होते सेंटर के तो अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता, लेकिन बोल रहे थे बच्चे कि सर सिर्फ हमारे साथ 18 बच्चे थे और बच्चे गायब हो गए। भाई आपके पास समस्या थी, आप उनके साथ मिले होते, आपके सिलेक्शन की बात है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। और डीजी सर ने साफ साफ इनको बोल दिया, इनका तो रिटेल ले लिया, लेकिन यह भी बोला आपका कि आप ही गड़बड़ किए होगे, जब इंग्लिश सही हो गया तो हिंदी क्यों नहीं सही होता, आपको आता नहीं होगा, आप बहाने बना रहे हो। अरे भाई एक सेंटर में एक इंसान से गलती हो सकती है, सभी से थोड़ी हो सकती है, दो सेंटर में गलती थोड़ी हो सकती है। तो यहां बड़ी बात यह है कि जिसके साथ प्रॉब्लम, अभी मेरे को एक बच्चे ने फोन किया, बोला सर मैं बहुत परेशान हूं, काफी बच्चे इधर उधर से आए हुए हैं और उनके साथ ये घटित हो जाता है, और मान लो बाय द वे सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी टाइपिंग चेक होनी है और रिजल्ट आपका गड़बड़ हो गया, तब क्या करोगे, तब समस्या हो जाएगी। तो उसी समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक ग्रुप बना रहा हूं, और उस ग्रुप के थ्रू आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों अगर आपके, मैं जानता हूं कि एएसआई से रिलेटेड आपको कोई कुछ भी नहीं बताएगा, और बच्चे मेरे पास ही फोन करते हैं सर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, तो मैं ही एक आपका इंटरफेस हूं और मैं आपको एक साथ जोड़ने का, मैंने कहा कि आप लोग हौसला मत हारो, मैं आपके साथ हूं, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाएगा। अगर एक बात मैंने पूछा उनसे कि कंटेंट आपका जो टाइपिंग मिला था वो पूरा था, उन्होंने कहा हाँ, हम कहें बहुत बढ़िया, उससे बेटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो पूरा इसका मतलब वो बताता है कि आपने टाइप पूरा किया है। ठीक है, हाईलाइट ना हो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है और वेब इशू हो सकता है, लेकिन चलो एक सॉफ्टवेयर की हम बात मान लें कि सॉफ्टवेयर कहीं गड़बड़ चेक कर दे, ठीक है वो तो कॉपी में प्रिंट आया है, तो उसके लिए हमने एक विज्ञापन भी दे ही दिया गया है, एक तरह से ज्ञापन दे दिया गया है इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा। अगर बाय द वे नहीं उस पर अमल किया गया तो हमारे पास बच्चे तो होना चाहिए, तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुआ है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, और आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, मैं ही फोन उठाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं खुद ही उसका व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा, आप उस पर जुड़ जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इकट्ठा हो गए, 18 बच्चों से नहीं होता है, हो सकता है ये 19 तारीख कल भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो, तो वो अपनी ये सो देख लेना कि अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो गलत करने की कोशिश मत करना, एक्स्ट्रा वर्ड करोगे तो गलत ही होगा यार, जाहिर सी बात है, जब आपका वो वर्ड लिया नहीं है पैराग्राफ में, आप एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा डाल रहे हो वर्ड, तो वो तो गलत ही होगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा मत करना। मैं तो यही कहूंगा कि हाईलाइट के चक्कर में, पता चले सॉफ्टवेयर इशू के चक्कर में, जब इंग्लिश पूरा हो जा रहा है तो हिंदी को भी होना चाहिए था, तो एक्स्ट्रा वर्ड मत करना, हो सकता है उससे आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाए। ठीक है, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम आई है जरूर बार ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत आती है तो हर बार परीक्षा प्लस टीम आपके साथ रही है, इस बार भी परीक्षा प्लस टीम आपके साथ रहेगी, जहां कहोगे जैसे कहोगे बस आपका साथ चाहिए, हम जरूर आपके साथ आएंगे। ठीक है, चलो इसीलिए मैंने आज कहा कि जो लोग आज जाके उनके संज्ञान में ये बातें डाल दो तो ये जरूरी था, तो वो बातें उनके बोर्ड तक पहुंच चुकी है, एप्लीकेशन पहुंच चुका है, उसका फोटो भी बच्चों ने खींचा है। ठीक है, तो वो काम आएगा आपका जब आगे कुछ ऐसी दिक्कत आपके सामने आती है, तो रिजल्ट में अगर आपके नाम नहीं आते हैं तो।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इशू होगा। अगर भगवान न करे ऐसा हुआ तो हमें बता रहा हूं। तो एक बार सभी लोग जो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जिनके साथ ये दिक्कत आई है वो जरूर ग्रुप से जुड़े। कोई और समस्या, कोई और परेशानी होगी तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा वीडियो में, हम जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बाकी एकदम फ्रेश माइंड होकर, निश्चिंत होकर, बिना डरे आप जाओ। हाँ, कुछ बच्चों ने सेंटर का भी कंप्लेन किया है कि सर मैंने एक बार टाइपिंग देने बैठा उसका सेंटर ही हैंग करने लगा। ये तो होना ही है, किसी ना किसी एक सेंटर पे तो होगा ही होगा। जब जाहिर सी बात है लखनऊ में इतने सभी सेंटर के सिस्टम बहुत अच्छे तो होंगे नहीं, तो उनका से बदला गया। दिक्कत ये होती है ना कि जब आपको एक जगह बैठा दिया गया फिर आपका सिस्टम बदला गया, उसी में आपका टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है। तो टेम्परामेंट कूल रखना है, घबराना नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, पहले जो दो मिनट आपको समय मिलता है कीबोर्ड पूरे अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बहुत बकवास कीबोर्ड मिला था, बहुत बकवास सिस्टम मिला था, सीटिंग अरेंजमेंट था, ऐसा वैसा था। भाई देखो, कुछ चीजें हो सकती है कि आपके साथ आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आप एकदम कूल होके, एकदम शांत होके बस ये देख लो कि सिस्टम सही से चल रहा हो, कीबोर्ड सही से चल रहा हो, टाइपिंग करो मस्त होके, सिलेक्शन लो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, तो आराम से जाइए। टाइपिंग कंटेंट कोई भी हार्ड नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा कोर्ट केसेस नहीं आ रहा है, आसान सा आ रहा है जो बच्चे बोल रहे हैं। तो सभी लोग कल के और परसों के लिए जो टाइपिंग देने जा रहे हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई दिक्कत और भी जो देकर आ चुके हैं उनके साथ समस्याएं हुई हो तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।